अमन जी हैं। अमन जी आप कहाँ, दिल्ली में रहते हैं? कहाँ? हाँ जी, मैं नोएडा में रहता हूँ। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ करनाल से। करनाल से मैं आज दिल्ली आया हूँ और ये मई का महीना है 2019 और आपको लीवर सिरोसिस डायग्नोज हुआ था? हाँ जी, मुझे जैन में लीवर सिरोसिस डायग्नोज हुआ जनवरी 2019 में। हाँ, तो उस समय आपने क्या सिम्टम थे, क्या सिम्टम? ये था कि मेरे एब्डोमिन में बहुत ज़्यादा पेन था, अनबियरेबल पेन था। तो मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने पेन किलर से रिलीफ दे दिया। वो कंटिन्यू रहा दो दिन, आफ्टर थर्ड डेज फिर वो बहुत ज़्यादा अनबियरेबल हो गया। उसके बाद फिर मैं एडमिट हुआ डॉक्टर के पास। तो दे डिड सम टेस्ट लाइक एंडोस्कोपी समथिंग लाइक दैट। तो उसमें एक ब्लड क्लॉट काइंड ऑफ वॉमिटिंग हुआ, जैसे उकाई आती है ना, तो उसमें ब्लड सा निकला था। अच्छा। तो उन्होंने कहा सिम्टम है, कुछ चेक करते हैं। तो काफ़ी सारे सिम्टम्स थे, तो उन्होंने अल्सर बताया, जॉन्डिस और प्लस लीवर सिरोसिस। और ये लास्ट में फाइनल टेस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा 75 की मैक्सिमम रीडिंग आती है। तो 75 ये इसको लीवर सिरोसिस में ना फाइब्रोस्कैन टेस्ट होता है, उसमें आपका 75 आया। हाँ जी, 75 इसका मीडियन होता है। उसमें 75 का मतलब है कि पूरी तरह से लीवर डैमेज है। डॉक्टर साहब ने आपको बताया था पूरा डैमेज? डॉक्टर ने कहा था कि 90% लीवर आपका डैमेज हो चुका है, 10% सर्वाइवल है। और अगर आप मेडिसिन लेंगे एलोपैथी के अंदर तो, और लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो आप यू कैन सर्वाइव फॉर 5 to 10 years। ज़्यादा प्रिकॉशन लेंगे, हेल्थ का ज़्यादा ना ठेके, 15-20 साल भी निकाल सकते हैं। ऑन एन एवरेज उन्होंने 5 to 7 years दिए थे इधर, क्योंकि जितना खराब हो चुका सर्वाइवल के 5 साल। हाँ जी, और बोला था जितना खराब हो चुका है ये कभी ठीक नहीं होगा, आपको 10% पे ही सर्वाइव करना पड़ेगा। और डे बाय डे जैसे जो खराब हो चुका है तो खराब हो चुका है, वो भी ठीक है, मेडिसिन के थ्रू हम उसको रोक लेंगे। पर जैसे एक चीज़ गल जाती है, सड़ जाती है, वो दूसरों को भी इफेक्ट करती है। आने वाले टाइम में 5-7 साल में ये इफेक्ट करेगा। तो इन दैट केस हो सकता है कि यू कैन गो फॉर लीवर ट्रांसप्लांट। तो वो सब चीज़ें बताई। कोई पेट में पानी भर रहा था उस समय? नहीं, मुझे पेट में कोई पानी नहीं भरा। और कोई खून की उल्टी आई थी? जैसे मुझे पेन हुआ था तो हाँ जी, तो उल्टी काइंड ऑफ एक उकाई आती है ना, उसके साथ थोड़ा सा आमतौर पर खून की उल्टी आती है। हाँ जी, उसके बाद मेरे को फर्स्ट और लास्ट आपका बेसिकली जैसे डायग्नोज हुआ तो सीधा ही 75 निकला। हाँ जी, 75 तो शुरुआत में ही 75 निकला है। बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं आया? नहीं, सिम्टम नहीं। तो फिर आपने सिम्टम ये कह सकते थे कि मुझे नहीं पता हो सकते सिम्टम, जैसे मेरे रेडिश पेन आ गया था पूरा, फीवर आना शुरू हो गया था। जैसे बाजू में, इसी बाजू में राइट में बैक साइड में दर्द है, उठती नहीं है, अभी भी नहीं उठती है, ये पेन है। कुछ एक सिम्टम जैसे मेरे नेट पे पड़ता था, पहले तो नहीं पता था, जब पता लगा ये नेट ये मतलब है डिसीज है तो उसके फिर सिम्टम ही पड़े, तो कोरिलेट किए थे ये सिम्टम थे। अच्छा। तो मेजर सिम्टम जैसे पानी भरना, ब्लड की वॉमिटिंग आना, या वो नहीं है, बाकी वीकनेस वगैरह तो था। तो आपको फिर आयुर्वेद की मैंने दवाई दी। हाँ जी, आप लीवर केयर बैग में आमतौर पर देता हूँ। हाँ जी, यकृत में अंतर चूर्ण, एग्निशिया दिया था, लीवर डिटॉक्स था मेरे पास, रेडिएंट था, इस तरह की 7-8 मेडिसिन थी, 3 लिक्विड थी, एक हिमालय का भी दिया था आपने, वो मेडिसिन ख़त्म हो चुकी है 2 दिन पहले, 3 महीने का कोर्स था पूरा। तो आपने टेस्ट के साथ तकरीबन 7 लीवर प्लान करके, लीवर प्लान था और गूगल की थी कुछ। तो ये उसके बाद 3 महीने आपने एक्निशिया भी दिया था? एक्निशिया भी दिया था, बड़ा होगा ना एक्निशिया। ये इंडियन एक्निशिया है, काल मेक बोलते हैं इसको। काल मेक जो है इंडियन एक्निशिया, ये लिवर सिरोसिस को रिवर्स कर देता है, ठीक कर देता है। मैंने काल मेक के आज भी लिवर सिरोसिस के 3-4 पेशेंट देखे हैं सुबह, तो उनको एक्निशिया दिया है। ये काल इंडियन एक्निशिया अलग है, काल मेक बोलते हैं। तो यूरोप में भी एक एक्निशिया होता है, वो अलग है, परंतु इंडियन एक्निशिया लीवर के लिए बहुत ही अच्छा है। ये देखिए इनका जो था ना, पहले 75 था, तो अब आ गया 20 आ गया। तो 75 से 20 जब आया, तो आपके जो डॉक्टर्स हैं या जिसने टेस्ट किया, उसने कुछ बोला नहीं आपको कि कैसे होगा? नहीं, पर जिसने टेस्ट किया स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि एक मैं तो मेंटली आदमी रहता है, फिजिकल तो बीमार है, ये मेंटली भी थोड़ा सीख हो जाता है। तो राधा दर वेस्टिंग आर टाइम की जाए बार बार वही चीज़ बोले नहीं, परंतु ये 75 से एक्चुअल में ये है कि 75 एक बार इसका आ गया, जो kPa मीडियम जो है इसका, जो kPa जो फाइब्रोस्कैन का, वो 75 से नीचे नहीं आता। तो इनका 75 से 20 तक आ गया विद इन कितने, 3 महीने? 3 महीने
प्रीमियर है, जो है कि एक मिरेकल है। तो ये मिरेकल आयुर्वेद में संभव है, पॉसिबल है, या आप इसको थोड़ा सा मीडियम पे फोकस कीजिए, यहाँ पे 20 नज़र आना चाहिए, हिलाइए मत ज़्यादा टाइम को, ये देखिए 20 आ रहा है, नहीं फंक्शन ये 75 नज़र आ रहा जी। इस पे डेट पे फोकस कीजिए, डेट दिखाइए, 10 जनवरी के आसपास ये किया था और ये 3 महीने बाद ये इन्होंने। चलो अब आपको थोड़ी सी देर के लिए 3-4 महीने की और दवाई देते हैं, उससे दोबारा टेस्ट करवा लेना, ये ठीक हो जाएगा। तो ये लीवर फेलियर जो है, लीवर सिरोसिस जिसको बोलते हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस की वजह से हो, हेपेटाइटिस बी सी की वजह से हो, या अल्कोहल की वजह से हो, या नॉन अल्कोहलिक हो, नैश जिसको बोलते हैं, या एलोपैथिक पेन किलर्स की वजह से हो, तो ये सारी तरह के जो लीवर फेलियर होते हैं जो आयुर्वेदिक की दवाइयों से रिवर्स किए जा सकते हैं, संभव है। तो उसमें मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आयुर्वेद की मेडिसिन आप अपनी लाइफ में अपनाएं, उनको प्रयोग करें। भाई साहब भी बता सकते हैं कि आप क्या फीलिंग है थी, मैं तो बिल्कुल इतना वीक हो गया था कि काइंड ऑफ नहीं, हम, हमारे पेशेंट्स के लिए या अपना जो है इस तरह के, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली शुड विजिट विक्रम चौहान जी, कंसल्ट करना चाहिए, बहुत अच्छी मेडिसिन है। हम भी मतलब एक रेफरेंस कह सकते हैं, इनकी वीडियो को ही देख देख करके हम लोग भी आए हैं। तो फर्स्ट मीटिंग में एक रहता है ना, फर्स्ट मीटिंग में आपको एक पॉजिटिव फील हो जाता है डॉक्टर से मिलके, पॉजिटिव अपना ब्रदर और मैं थे तो ही वाज आल्सो वेरी अपसेट कि यार पता नहीं कैसा है क्या है, तो इनसे मिले। बिल्कुल, तो मिलने के बाद ही बोला कि नहीं यार एक डॉक्टर, हम 3-4 डॉक्टर से विजिट किया था। नहीं आप अच्छा, वो बोले डॉक्टर से मिलने के बाद पहले कई बार लगता ना जैसे डॉक्टर से मिलते ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है, हम लोगों ने पॉजिटिव लगाया कि और रिजल्ट भी वैसा ही आया, रिजल्ट भी वैसा आया। मैं उस नेगेटिव रिलेटिव्स में गया था, रिलेटिव से नंबर जैसे मिला तो फंक्शन ड्रॉप करके मैं डॉक्टर से मिलने गया था। उस टाइम मेरे को भी याद है एक पेशेंट थे, शायद अहमदाबाद से आए हुए थे आपके पास, शायद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके ब्रदर थे, वो भी लीवर सिरोसिस के बारे में बोल रहे थे, तो उनके पानी वानी भरता था, तो आपने कहा था कि ये कोई फाइब्रोस्कैन करवाओ, तो उन्होंने नहीं करवाया था, मुझे याद है। तो उनके जो वो उसी दिन विजिट किया था शायद ब्रदर इन लॉ जीजा जी जो है, आई डोंट नो ब्रदर इन लॉ थे या जो भी थे, अहमदाबाद से थे आप शायद उस टाइम, वो भी ठीक है। हाँ जी, तो आप शायद बाहर जाने वाले थे आप, तब की बात है। तो बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि आप अब ठीक है। थैंक यू वेरी मच।